हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लियर कंसेप्ट क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ लेकर के आ गए फिर एक क्लास टेंथ के एक नए टॉपिक के साथ, जो कि केमिस्ट्री का टॉपिक है, जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, क्यों केमिकल बॉन्डिंग बनते हैं, रीजन क्या है, इन सारी चीजों के बारे में इसमें हम डिस्कस करने वाले। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। चलिए मैं आपको ये बताता हूँ कि देखिए केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने से पहले मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि क्यों ये केमिकल बॉन्ड बनते हैं, क्या रीजन। तो देखिए कि हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे कुल मिला के हम देख रहे हैं कि हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, और इन सारे 118 एलिमेंटों में से मैक्सिमम ऐसे एलिमेंट हैं नोबल गैसेस को छोड़ करके, बाकी सारे के सारे एलिमेंट रिएक्टिव होते हैं, चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, लेकिन कुछ ना कुछ रिएक्टिव जरूर होते हैं। अगर रिएक्टिव है तो रिएक्टिव का मतलब क्या होता है? रिएक्टिव का मतलब ये होता है कि ये मेटल्स या एलिमेंट्स जनरली स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल होना चाहते हैं। स्टेबल होना चाहते हैं मतलब ये कि ये चाहते हैं कि इनके बाहरी शेल में, ठीक है, 2 या 8 इलेक्ट्रॉन हो और फिर वो नोबल गैसेस के बराबर स्टेबिलिटी अचीव कर ले और फिर जाकर के स्टेबल हो जाए। यानी हर एक एलिमेंट चाहता है कि उसके एटम के बाहरी शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन हो और वो फाइनली जाकर के स्टेबल हो जाए। तो हम ये समझे कि जनरली 118 एलिमेंटों में कुछ एलिमेंट जैसे कि हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, ठीक है, जिंदा रहे आर ए, ठीक है, ये जैसे क्या होता है हमारे पास आर डी होता है, रुबिडियम होता है करके आर डी से लिखा जाता है ना, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनोन, रिडोन, ठीक है, ये कुछ नोबल एलिमेंट्स हैं। इन नोबल एलिमेंटों को छोड़ करके बाकी जितने एलिमेंट होते हैं सबके सब रिएक्टिव होते हैं, और रिएक्टिव होते हैं तो क्या करना चाहते हैं, वो स्टेबल होना चाहते हैं, और स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनके बाहरी सेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन आएगा तभी जाकर के वो स्टेबल होंगे। और इस बाहरी सेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 2 प्रोसेस करने पड़ेंगे। समझते हो? सबसे पहले ये समझिए कि एलिमेंट्स आर रिएक्टिव, ये समझ में आएगा था क्लियर, एलिमेंट्स आर रिएक्टिव बिकॉज देयर एटम्स आर नॉट स्टेबल। क्यों एलिमेंट्स रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि उनके एटम स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट समझ में आ गया कि बिकॉज सिंस एलिमेंट्स आर रिएक्टिव बिकॉज देयर एटम्स आर नॉट स्टेबल, सो एलिमेंट वॉन्ट टू बिकम रिएक्टिवलेस, या कह सकते हैं एटम वांट्स टू बिकम स्टेबल, एटम स्टेबल होना चाहते। तो एटम स्टेबल होंगे तो क्या करना पड़ेगा, उनके लिए उनके बाहरी सेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा। हम कहेंगे देयरफॉर एटम वांट्स टू बिकम स्टेबल, एटम वांट्स टू बिकम स्टेबल। अब स्टेबल होने के लिए 2 तरीका है। पहला इसमें तरीका यह है कि बाय ड्यूप्लेट रूल के अकॉर्डिंग वो स्टेबल हो सकते हैं, ठीक है, और दूसरा बाय ऑक्टेट रूल। अभी समझ आ रहा है? 2 रूल, पहला रूल मैंने क्या कहा, ड्यूप्लेट रूल, और दूसरा ऑक्टेट रूल। जनरली जो ड्यूप्लेट रूल होता है उसके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि अगर कोई एटम स्टेबल होना चाहता है तो उसके बाहरी सेल में यदि 2 इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो स्टेबल होता है। और ये ड्यूप्लेट स्टेबिलिटी या ड्यूप्लेट रूल के अकॉर्डिंग जो स्टेबिलिटी प्राप्त होती है, जिसको हम लोग ड्यूप्लेट स्टेबिलिटी बोलते हैं, ये जनरली ऐसे एलिमेंटों के लिए होती है जिसके बाहरी सेल में, जिसके एटम में 1 सेल होता है, for atom containing one cell, ठीक है। ड्यूप्लेट रूल किसके लिए होता है, ऐसे सभी एटम जिनके बाहरी सेल में जिनके पास 1 सेल हो, उनको क्या करना पड़ेगा, ड्यूप्लेट स्टेबिलिटी को अचीव करना पड़ेगा। कैसी स्टेबिलिटी, ड्यूप्लेट, समझ आ रहा है, ड्यूप्लेट स्टेबिलिटी। और ऐसे एटम
जिनके बाहर जिनके जिनमें ठीक है दो से अधिक, दो या दो से अधिक सेल होते हैं उनको कैसे स्टेबिलिटी अचीव करनी पड़ेगी, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग ऑक्टेट स्टेबिलिटी, ठीक है। फॉर एटम्स, एटम हैविंग या एलिमेंट हैविंग, ठीक है ना, फॉर एटम हैविंग, यहां एलिमेंट लिख दे तो और क्लियर हो जाएगा, फॉर एलिमेंट हैविंग, ठीक है ना, या चलिए एटम भी ठीक है, अगर समझ पा रहे आप एटम मतलब क्या कहना चाह रहा हूं तो ध्यान देना, नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। फॉर एटम हैविंग हैविंग टू और मोर सेल, टू और मोर सेल, और जब उनके बाहरी सेल में दो या दो से अधिक सेल होंगे तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग वो ऑक्टेट स्टेबिलिटी को अचीव करेंगे, ऑक्टेट स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, सुना रहे? तो आपको ये समझ में आ गया कि जनरली एलिमेंट स्टेबल नहीं होते हैं, मतलब रिएक्टिव होते हैं, तो रिएक्टिव होने के लिए, रिएक्टिव होने का मतलब उनके एटम स्टेबल नहीं होते, तो क्या करेंगे, एटम स्टेबल होने पड़ेंगे, और एटम को स्टेबल अगर करना है तो दो तरीका है, या तो ड्यूप्लेट रूल के अकॉर्डिंग उसको ड्यूप्लेट स्टेबिलिटी दे दीजिए, या तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग उसको ऑक्टेट स्टेबिलिटी दे। अब ड्यूप्लेट स्टेबिलिटी किसको मिलती है, ऐसे सभी एटम्स जिनके जिनमें सिर्फ एक सेल होता है, ठीक है, जैसे हीलियम हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, ठीक है, ये सब जो चीजें होती हैं ये, तो इस तरीके से ऐसा नहीं होगा कि किसी बाहरी सेल में दो, किसी एटम में दो सेल हो और वो बाहरी सेल में दो इलेक्ट्रॉन रख के स्टेबल हो जाए, ऐसा नहीं, ठीक है ना, ये ध्यान रहे, ये समझ में आ गया। अब इसके बाद से क्या करते हैं, स्टेबिलिटी प्राप्त करना चाहते हैं, ये समझ में आ गया। अब स्टेबिलिटी को प्राप्त करना चाहते हैं तो बाहरी सेल में एटम की लेन देन करनी पड़ेगी, ठीक है, in order to become stable atoms need to share or transfer electron, ठीक है, ठीक है, क्या करना चाह रहे हैं, अगर एटम स्टेबल होना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन शेयर करें या ट्रांसफर करें, ठीक है, एक एटम से दूसरे एटम अलग अलग एलिमेंट में या सेम एलिमेंट में, ताकि वो स्टेबल हो सके। अब अगर ये स्टेबिलिटी अचीव करना चाहते हैं तो एटम क्या करेंगे, जनरली इलेक्ट्रॉन देंगे या इलेक्ट्रॉन लेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन देते हैं या इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा हमारे पास, उस कंडीशन में क्या होगा, वो बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है ना, हेंस हेंस during the transfer or sharing, during the transfer or sharing of electron bond is formed। जब इलेक्ट्रॉन देते हैं या इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो उस समय पर क्या होता है, बॉन्ड बनते हैं। अब बॉन्ड कैसे बनते हैं जरा उसके बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। जनरली मान लो कि हमारे पास एक एलिमेंट एक्स है और एक एलिमेंट वाई है, दो एलिमेंट मान लेते हैं, मान लेते हैं कि ये थोड़ी देर के लिए मेटल है और ये मान लेते हैं कि नॉन मेटल है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा निगेटिव चार्ज। अब इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो इनके बीच में एक फोर्स एक्ट करने लगेगा, ठीक है, ऐसे नहीं सो करता हूं, इनके बीच में एक फोर्स एक्ट करने लगेगा जो दोनों एटमों को आपस में बांध के रखने की कोशिश करेगा, ठीक है। उस कंडीशन में दोनों एटम्स आपस में कंबाइन हो जाएंगे और कंबाइन होकर के क्या बना लेंगे, एक्स वाई मॉलिक्यूल बना लेंगे, क्या बना लेंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे, और ये जो मॉलिक्यूल होगा ये क्या होगा, स्टेबल होगा। यानी जनरली एटम इलेक्ट्रॉन देते हैं या इलेक्ट्रॉन लेते हैं ताकि उनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस बन सके, और अगर ये पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस बन जाते हैं तो इनके बीच में एक फोर्स एक्ट करने लगेगा, ठीक है ना, ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स या इंटर एटॉमिक फोर्स, और उसके द्वारा क्या होंगे, वही दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, जोड़ने की कोशिश करेंगे, और वहां पर ये फोर्स जो होता है वही बॉन्ड कहलाता है या लिंकेज कहलाता है, और इसी वजह से दोनों आपस में जुड़ करके एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे या कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे जो जनरली स्टेबल, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया, यहां पर क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर
ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, ठीक है, और कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ, क्योंकि एक ने ट्रांसफर किया, एक ने गेन किया, एक्सचेंज, ट्रांसफर, ट्रांसफर एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हुआ। अब मैं आपको थोड़ा शेयरिंग की वजह से बताता हूं कि शेयरिंग की वजह से कैसे बनते हैं। भाई शेयरिंग थोड़ा सा लिख दू, शेयरिंग, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए जनरली जो नॉन मेटल होते हैं उनमें क्या होता है, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, हाँ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैरेक्टर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैरेक्टर लगभग ऑलमोस्ट इक्वल होता है, और इसी वजह से कोई इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाता है, कोई इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाता। आगे समझ में आएगा, अभी बस आप ये समझो कि जनरली जो नॉन मेटल होते हैं उनमें कोई इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता पूरी तरीके से, और कोई पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता है, तो वहां पर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। अब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से भी बॉन्ड बनते हैं, कैसे बनते हैं दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इनके पास होता है 6 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से ये अपना दो दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं। इसके इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखा देता हूं, ठीक है, भाई दोनों सेम होते हैं, बस डिफर हो जाए, समझ में आए कि किसका कौन इलेक्ट्रॉन, इसलिए मैं समझ पा, ठीक है। तो देखो ऑक्सीजन के बाहरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2-4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में चले, फिर इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, जो शेयरिंग में चले। तो ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये शेयर किया गया है, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं उनको हम लोग शेयर कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से और ये इस तरीके से शेयर कर लेंगे अपना इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन, ये पूरा का पूरा जो 4 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, जो जो 2 डॉट से और 2 क्रॉस से, ये इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के भी हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन इनके भी हो जाएंगे। तो इस ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, 2, 4 और ये 4, यहाँ कुछ कुल मिला के यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, स्टेबल। फिर इसका भी काउंट करिए, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8, 4 यहाँ और 4 यहाँ, 8, ये भी स्टेबल हो गया। तो इनके बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और ये ऑक्टेट स्टेबिलिटी के रूल के अकॉर्डिंग ये क्या होते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, और फिर जाकर के इलेक्ट्रॉन फिर जाकर के बॉन्ड बना हुआ है, समझ आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर है, इसको शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हुए, तो इनको हम लोग बोलते हैं बच्चों सबको, है ना, वन बाय वन करके, ये भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी, ये भी, ये सब के सब क्या हो जाते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी CTR, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते, ऑल दोस इलेक्ट्रॉन व्हिच डू नॉट इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग आर नोन एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी मैं सिर्फ बाहर बाहर की, मतलब ऊपरी ऊपरी भाग बता रहा हूँ कि क्या क्या चीजें हैं। अभी आपको समझ में आ गया कि बॉन्ड का फॉर्मेशन होना चाहिए क्योंकि एटम स्टेबल होना चाहते हैं, एटम इसलिए स्टेबल होना चाहते हैं क्योंकि एलिमेंट रिएक्टिव है, ठीक है। अब एलिमेंट एक दूसरे से लड़ाई ना करे, रिएक्टिव ना हो, इससे बचाए रखने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, उनको रिएक्शन कराना पड़ेगा, मतलब रिएक्शन कराने का मतलब उनको स्टेबल करना पड़ेगा। अब स्टेबल करने के लिए मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन शेयर एक्सचेंज कर लें, या तो इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले, स्टेबल हो जाएंगे। तो आपको यह बात समझ में आ गई क्या होगा। अब देखिए, यहां पर मैंने बताया कि बॉन्ड बनेगा और यहां भी इनके बीच में बॉन्ड बनेगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं तो इधर भी ये इनको अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, ये इनको अपने तरफ, ठीक है, दोनों के फोर्स बराबर हो जाते हैं और वहां पर एक बॉन्ड बन जाता है, और वो दोनों एक दूसरे से जुड़ करके O2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर देते हैं, O2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर देते हैं और वो स्टेबल हो जाता है, O2 क्या है, स्टेबल हो जाता है। तो इस तरीके से स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए बॉन्ड का फॉर्मेशन करना जरूरी है, ठीक है। चलिए अब हम बॉन्ड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब बॉन्ड के बारे में बात कर लेते हैं कि बॉन्ड क्या होता है, अभी समझ में आ गया कि क्यों बॉन्ड बनाएंगे, अब समझते हैं कि बॉन्ड क्या होता है। केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड क्या होता है, तो देखिए ये एक फोर्स होता है या एक लिंकेज होता है दो या दो से अधिक एटमों के बीच में, जिसकी वजह से स्टेबल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो हम कहेंगे कि केमिकल बॉन्ड क्या है, इट इज ए फोर्स और लिंकेज between two or more atom which hold two or more atom together to form a stable molecule, ठीक है ना, यह एक linkage या force होता है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक atoms आपस में बंधे होते हैं ताकि वो stable molecule का formation, stable molecule या compound का formation कर सके, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, chemical bond। तो इसका definition मैं लिखता हूं,
ये फोर्स और लिंकेज विच होल्ड्स टू और मोर एटम्स टुगेदर, टू और मोर एटम्स टुगेदर टू फॉर्म अ स्टेबल मॉलिक्यूल, स्टेबल मॉलिक्यूल और कंपाउंड, स्टेबल मॉलिक्यूल और कंपाउंड इज नोन एज, इज नोन एज बॉन्ड, इज नोन एज बॉन्ड, उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं। एंड यहां पर लगा दो था, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड। एंड द कंसेप्ट इज नोन एज, द कंसेप्ट इज नोन एज केमिकल बॉन्डिंग। और ये जो कंसेप्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं। तो समझ में आ गया केमिकल बॉन्ड और केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है। केमिकल बॉन्ड एक फोर्स या लिंकेज होता है, ठीक है, इज नोन एज केमिकल बॉन्ड, यहां लिख लेते हैं, इज नोन एज केमिकल बॉन्ड, ठीक है, एंड द कंसेप्ट इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। मतलब वो फोर्स या लिंकेज दो दो जो दो या दो से अधिक एटमों को आपस में बांध के रखा है ताकि वो स्टेबल मॉलिक्यूल या कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सके, उन्हीं को क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। और इस प्रोसेस को या ये जो कंसेप्ट है जिसके द्वारा केमिकल बॉन्ड बन रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड। तो अभी समझ में आ गया कि केमिकल बॉन्ड क्या है और केमिकल बॉन्डिंग क्या है, ठीक है। अब ये जो केमिकल बॉन्ड होते हैं, चूंकि ये दो तरीके से बनते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज से या ट्रांसफर से, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कर लें या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर लें, ठीक है, हाँ तीन तरीका हो सकता है, एक्सचेंज मतलब लेन देन कर लें, या तो पूरी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज दे दें उसमें भी एक्सचेंज वाला भी आ जाएगा, ठीक है, और एक आ जाएगा हमारे पास शेयर। तो इन सबके बेसिस पर केमिकल बॉन्ड को तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। केमिकल बॉन्ड जो हमारे पास है जो उसको क्या कहता है, तीन भाग में डिवाइड किया जाता है। पहला जो भाग है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, सुना है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। या इसका दूसरा नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। और दूसरा जो हमारे पास होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट केमिकल बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड, और मॉलिक्यूलर बॉन्ड, मॉलिक्यूलर बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड या मॉलिक्यूलर बॉन्ड बोलते हैं उसको। और जो तीसरा हमारे पास आता है उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटी बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड। अभी समझ आ रहा है, एक होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या इसी का दूसरा नाम है आयोनिक बॉन्ड, दूसरा हमारे पास होता है कोवैलेंट बॉन्ड या इसको बोला जा सकता है मॉलिक्यूलर बॉन्ड, दूसरा तीसरा हो सकता है हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड या हो सकता है डेटिव बॉन्ड। ये तीन तरीके के बॉन्ड होते हैं। तो हम इनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है, फिर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है, किन किन एलिमेंटों के बीच में बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसी तरीके से कंटिन्यू। तो अभी मैं आपको थोड़ा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देता हूं कि ये बॉन्ड क्या होते हैं और किनके किनके बीच बनते हैं, और फिर हम इसको अलग अलग वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरीके से इसका फॉर्मेशन किया। चलिए तो अभी देखिए आयनिक बॉन्ड क्या होता है। आयनिक बॉन्ड जनरली मेटल एंड नॉन मेटल, नॉन मेटालिक एटम्स या मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में बनता है। क्यों ऐसा होता है, क्यों आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है, इसलिए क्योंकि यहां पर एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन दे और एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन ले। इसी वजह से मेटल जनरली क्या होते हैं, मेटल क्या होते हैं, जनरली ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन दे करके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्जेस ला देते हैं, यानी मेटल्स आर दोस एलिमेंट व्हिच लूजेस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयंस, ठीक है, नोन एज कैटायंस। ये जनरली कैटायंस बनाते हैं। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं ताकि उनके ऊपर निगेटिव चार्ज आए। तो नॉन मेटल्स आर दोस एलिमेंट व्हिच गेन्स इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस नोन एज एनायंस, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया, तो मेटल नॉन मेटल के बीच में आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं।
ठीक है। और यहां पर जनरली क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर जनरली इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं और उन्हीं की वजह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। दूसरा हमारे पास क्या रहता है, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड जनरली नॉन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में बनता है, नॉन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में बनता है। यहां पर जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की सेल, चूंकि यहां पर क्यों ऐसा नॉन मेटल इन्वॉल्व होते हैं इस बॉन्ड को बनाने के लिए, तो स्टूडेंट्स यहां पर इसलिए ऐसा क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमें ना देना है ना लेना, इलेक्ट्रॉन को शेयर करना है। इलेक्ट्रॉन को जब शेयर करें तो इस बात का ध्यान रहे कि इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से एक दूसरा आइटम या कोई एक आइटम ऐसा ना हो कि पूरा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच ले, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ बीच में रखे कहें कि शेयर करें, पता चला एक इलेक्ट्रॉन इतना पावरफुल है कि खींच ले। इसलिए हम ऐसे दो एलिमेंट लेते हैं जो या जनरली दो एलिमेंटों के बीच में फॉर्मेशन होता है कुछ इस तरीके से कि उनका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कैरेक्टर और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैरेक्टर ऑलमोस्ट बराबर होता है, ठीक है। तो इनमें फॉर्मेशन होता है, तो यहां पर क्या होता है जनरली शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कोवेलेंट बॉन्ड और मॉलिक्यूलर बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो क्या है, डेटी बॉन्ड। डेटी बॉन्ड जो होता है ये होता है ट्रांसफर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से बनता है। आगे इसको देखने को मिलेगा। जनरली होता क्या है कि हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं ये समझ लो। जनरली हमारे पास क्या होते हैं, ऐसे कुछ आइटम्स होते हैं जो स्टेबिलिटी अचीव तो कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग या ट्रांसफर करने से, लेकिन उनके पास कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन उनके बाहरी सेल में या वैलेंस सेल में बच जाते हैं जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते। सुनिए यार मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे सभी इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है ना, उन सभी इलेक्ट्रॉनों को हम लोग क्या बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। समझ आ रहा है। और इन्हीं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। समझ आ रहा है। तो ये ध्यान रहे, जनरली ये किसके बीच में बनता है, तो ये जनरली हमारे पास कुछ स्टेबल मॉलिक्यूल या कंपाउंड, ठीक है, स्टेबल मॉलिक्यूल्स एंड एलिमेंट्स के बीच में, ठीक है ना, बन जाता है। अब एलिमेंट्स मेटालिक नॉन मेटालिक जनरली हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो ये हो गया टाइप ऑफ बॉन्ड और उनका दो दो नाम हो गए कि कौन कौन से उनके दो अलग अलग नेम्स हैं। साथ में मैंने बताया कि किस तरीके से वो बॉन्ड बनते हैं, किसके किसके बीच में बनते हैं, ये भी मैंने बताया, ठीक है। तो ये आपको दो दो पॉइंट्स नोट करके रखना है, पहला दूसरा, इसमें ये पहला और दूसरा, इसमें ये पहला और ये दूसरा। तो आपको समझ में आ गया कि ये केमिकल बॉन्ड क्या होता है और किस तरीके से। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये आयनिक बॉन्ड क्या होता है, किस तरीके से बनता है, किन किन एलिमेंटों के बीच बनता है और इसका रीजन क्या है बनने, ठीक है। फिर उसी तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड का और फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अभी आप इतना समझो, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करो इसके आगे की वीडियो अगर चाहिए, ठीक है। मैं फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा ये सारे टाइप्स क्या, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।